आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आप जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं दो मॉइस्चराइजिंग कंटेनर हैं एक है नीविया का और दूसरा है हिमालय का और निविया का जो कंटेनर है उसका नाम है नॉरिशिंग लोशन बॉडी मिल्क फोर्टी एट आवर्स इंटेंसिव मॉइस्चर केयर और दूसरा जो हिमालय का है उसका नाम है कोकोआ बटर इंटेंसिव बॉडी लोशन हाइड्रान्यूट्री बैलेंस ओके सो क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे जो है ये 48 एट आर्स वाला नीविया को लोशन नहीं मिल रहा है तो मैंने और भी मॉइस्चराइज़र ट्राई किए थे जैसे कि मैंने स्विस टेम्पल का मॉइस्चराइज़र ट्राई किया था और ऑलरेडी मेरे पास बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र था तो जब मैं दोबारा लेने गई इसे फाइंड आउट किया तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र तो मिला ही साथ में मैंने सोचा मैं हिमालय भी ट्राई करूँगी बात की जाए कैसे क्या दोनों मतलब इन, आ, मैं पहले ये सोचती थी पहले मैं ये सोचती थी कि सिर्फ नीविया का ही लोशन अच्छा है बेस्ट है विंटर्स के लिए लेकिन मुझे बायोटिक का भी अच्छा लगा स्विस टेम्पल का भी अच्छा लगा एज़ दीज कंटेनर आर ऑफ 200 हंड्रेड तो मुझे लगा कि मैं इसको <coughs> अब ये दोनों कंटेनर जो हैं नीविया और हिमालय के ये टू हंड्रेड के हैं और ये ड्राई स्किन के लिए हैं ये एक्सट्रीमली वेरी वेरी ड्राई स्किन के लिए है और ये ड्राई स्किन के लिए है और मैंने इन दोनों का यूज़ साइमल्टेनियसली किया यानी एक दिन में एक तरफ हिमालय का लोशन लगाया और दूसरे हिस्से में बॉडी के यानी कि राइट साइड में हिमालय का लेफ्ट साइड में निविया का लोशन लगा के देखा कि फ़र्क क्या है और यकीन मानिए मुझे दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं है इनफैक्ट आई वुड से कि हिमालया इज़ मच बेटर देन निविया अर्लियर आई यूस्ट टू थिंक कि नीविया का लोशन से अच्छा कोई मतलब नीविया का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता जो फोर्टी एट फोर्टी एट आवर्स इंटेंसिव केयर है मैंने इन दोनों को लोशन को आफ्टर बाथ uh, इन दोनों लोशन को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया अलग अलग पार्ट्स में और uh, मैंने एक चौबीस घंटे का टाइम दिया 24 घंटे में दोनों का ही जो इफेक्ट था वो सिमिलर था और कोई भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि क्योंकि ये 48 एट आवर्स इसमें लिखा है तो ये बहुत देर तक मतलब स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज है या इसमें स्किन ड्राई हो चुकी है दोनों ही आ, के एप्लीकेशन के बाद स्किन का टेक्सचर सेम आ रहा था हाँ निविया को जब जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका टेक्सचर पहले काफ़ी हल्का सा स्टिकी रहता है जबकि हिमालय जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर जाता है बात करें दोनों की क्वांटिटी सेम है 200 हंड्रेड और अगर प्राइस की बात की जाए तो ये जो लोशन है ये सितंबर ट्वेंटी में पैक हुआ था और सॉरी uh, सितंबर 19 में पैक हुआ था और इसका जो प्राइस है वो 220 है और ये कंटेनर जो हिमालय का है ये भी सितंबर 19 में पैक हुआ है और इसका जो प्राइस है वो 150 है as you can see this is the price of himalaya it is 200 ml and uh, for uh, 150 rupees and it is 220 uh, it is 200 ml for 220 rupees ये दिस इज़ द प्राइस। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो दोनों में ही पैराबिन है और दोनों में ही सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं और इसमें खास तौर पे हिमालय में कोकोआ बटर और व्हीट जर्म ऑयल मेन इंग्रेडिएंट बताए गए हैं इसमें जो निविया है उसमें कोई ऐसा मेन इंग्रेडिएंट जैसे कि शिया बटर शिया आता है कोकोआ या शिया के नाम से आता है या कोकोआ के नाम से आता है निविया लेकिन इस 48 एट आवर्स वाले में जो मेरे पास लोशन है उसमें कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट नहीं बताया गया है यानी कि कोई स्टार इंग्रेडिएंट नहीं है बल्कि सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम पीछे दिए हुए हैं और इसमें हाइलाइटेड है कि इसमें कोकोआ बटर और वीट जम ऑयल मेन इंग्रेडिएंट हैं बात करते हैं इसके टेक्स्चर की अगर मैं हिमालय का ये लेती हूँ यू कैन सी द कंसिस्टेंसी And when I apply it on the skin, it absorbs well, and obviously my skin is glowing. And if I take Nivea, Nivea is also thick, and if I apply it on a skin, it absorbs well, and the skin glows. चौबीस घंटे अपनी बॉडी पर रख के देखा है दोनों ही मॉइस्चराइज़र को दोनों ही आपकी स्किन को सेम लेवल पे मॉइस्चराइज़ करते हैं ये नहीं है कि निविया देर तक रखता है या हिमालय देर तक रखता है दोनों ही मुझे सेफ लगे क्योंकि निविया मैं पहले भी यूज़ कर रही थी हिमालय का भी मैंने पहले यूज़ किया था लेकिन कभी ऐसा माइंड में नहीं आया कि मैं दोनों को कंपेयर करूं, लेकिन इस बार मैंने दोनों को ही कंपेयर करके देखा और मुझे यकीन मानिए कोई डिफरेंस नहीं लगा दोनों ही सिमिलर लगे दोनों का जो एप्लीकेशन के बाद जो एक स्किन पे टेक्सचर आता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था और स्किन दोनों ही केसेस uh, में हाइड्रेटेड रही प्राइस की बात करें तो जिन लोगों को ज़्यादा मनी शेल आउट करना है वो निविया का यूज़ करें जिनको उसी वही सब फ़ायदे चाहिए कम पैसे में तो वो हिमालय का यूज़ कर सकते हैं दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हिमालय और निविया का जो 48 एट आवर्स इंटेंसिव केयर है दोनों के इफ़ेक्ट सेम है स्किन पे दोनों ठीक उसी तरीके से आ, आपको इफ़ेक्ट करते हैं उतनी देर तक स्किन मॉइस्चराइज रहती है डीपली मॉइस्चराइज रहती है दोनों के ही कोई साइड इफेक्ट नहीं है और दोनों में ही पैराबिन है ये भी नहीं है कि हिमालय में नहीं है वैसे आमतौर पे हिमालय यूज़ नहीं करता है पैराबिन अगर आप इसके सोप्स में जाएंगे लेकिन यहाँ पर पैराबिन यूज़ किया गया है और नेविया में भी राबिन यूज किया गया है और कॉस्ट uh, इज 150 फिफ्टी इसकी uh, 200 हंड्रेड की इसकी कॉस्ट है टू टू ट्वेंटी Uh, जो कि सितंबर में पैक हुए हैं ये दोनों नाइन जो 2019 की पैकिंग है 2020 की पैकिंग में ये अभी भी 150 का ही आपको मिलेगा हिमालय जबकि जो uh, निविया है उसका प्राइस 275 हो गया है जिसमें फोर्टी रुपीज़ ऑफ है दैट मीन्स इट इज़ 235 थर्टी फाइव लेकिन इनका कोई भी कम ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट में कोई फ़र्क नहीं है जिनको ज़्यादा मनी शेल आउट करना है वो निविया यूज़ करें जिनको कम पैसे में वही इफेक्ट चाहिए और जिनको कोकोआ बटर की स्मेल पसंद है वो हिमालय का यूज़ आंख बंद करके कर सकते हैं आई वुड प्रेफर हिमालय टू निविया नाउ क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये उतना ही आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाता है जितना कि निविया और ये भी नहीं है कि निविया पैराबेन फ्री है या हिमालय में पैराबेन है दोनों में ही पैराबेन है तो आपसे इसमें से कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्मेल कोकोआ बटर की अच्छी लगती है तो बिल्कुल इस पे जाइए इसमें कोकोआ बटर की बहुत अच्छी स्मेल है नीवे की एज यूजल जो स्मेल होती है वो है और बोथ आर गुड बट देर इज़ डिफरेंस इन प्राइस एंड डोंट थिंक कि इसमें ये ज़्यादा प्राइस वाला है तो इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा या यू you नो know, uh, इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं ऐसा कुछ नहीं है आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं सो so, आज के लिए इतना ही मैं और भी रिव्यूज़ लाऊंगी क्योंकि मैं अभी और डिफरेंट डिफरेंट यू नो ब्रांड के मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और अब मैं आपके साथ एक और ऐसा वीडियो शेयर करूंगी इन फ्यूचर जिसमें मैं अपने सारे जितने भी मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किए हैं उन सबका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बट पीपल हु आर कन्फ्यूज बिटवीन निविया एंड हिमालया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ़ प्राइज दे आर थिंकिंग हिमालय में कम इफेक्टिव होगा ऐसा कुछ नहीं है उनकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है सो गो एंड बाय हिमालया विदाउट एनी कन्फ्यूजन बिकॉज इट इज़ चीप एंड इफेक्टिव एज इफेक्टिव एज निविया तो आज के लिए इतना ही टेक केयर गुड बाय